Welcome dear friends in this video we will discuss sentence correction portion of css english paper of the year 2017 so let's start sentence number 1 is in the accident one of my arms was broken and my legs bruised correct sentences in the accident comma one of my arms was broken comma and my legs were bruised यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक तो हमने क्लैरिटी के लिए उसमें जो वन ऑफ माई आर्म्स वाज ब्रोकन है उसके आगे और पीछे कामा लगाए दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो वाज यूज़ हुआ है वाज की जगह हम वर यूज़ करेंगे वर ब्रूज्ड क्योंकि इससे पहले जो नाउन है लेग्स लेग्स चूंकि प्लूरल है तो इसके बाद जो एग्जिलरी वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा ताकि जो पैरल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो मेंटेन रहे और जो ग्रामेटिकली कंसिस्टेंसी है वो इंश्योर रहे तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी इन द एक्सीडेंट वन ऑफ माई आर्म्स वॉज ब्रोकन एंड माई लेग्स वर ब्रूज नेक्स्ट इज द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स दे वॉन्टिड इंक्रीज इन दियर सैलरीज करेक्ट सेंटेंसेज द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स वांटेड एन इंक्रीज इन दियर सेलरीज अब यहां पर अगर हम ओरिजनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक अनेसरी रिपीटिशन है सब्जेक्ट का और वह सब्जेक्ट है दे आफ्टर द क्लास फॉर मैनी आवर्स जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं जिस तरह के हो कि हम जो डिपेंडेंट क्लास है सेंटेंस में वो इंट्रोड्यूस करें तो वो जो प्रोनाउन हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो उस डिपेंडेंट क्लास का सब्जेक्ट भी होता है तो इसी वजह से देयर इज नो नीड टू रिपीट द सब्जेक्ट दे बिफोर वांटेड तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स वांटेड एन इंक्रीज इन दियर सैलरीज वांटेड से पहले जो दे था वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो काम ऑलरेडी जो सब्जेक्ट का है वो हो ने किया है प्रोनाउन हो ने ऑलरेडी किया है नेक्स्ट इज यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट टू ईयर्स करेक्ट सेंटेंस इज यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट टू ईयर्स पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक टैग क्वेश्चन यूज हुआ है और टैग क्वेश्चन के लिए रूल ये है कि जो मेन क्लास का एग्जेलरी वर्ब है वही एग्जेलरी वर्ब टैग क्वेश्चन में यूज होता है अब इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो मेन वर्ब है हैव बीन वर्किंग दैट इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो इसी वजह से जो करेस्पॉन्डिंग एग्जिलरी वर्ब है दैट इज हैव तो हमारे पास जो टेक क्वेस्टन बनेगा तो उसमें एजेंट के बजाय है मतलब इसको रिप्लेस किया जाएगा हैव के साथ क्योंकि जो मेन क्लास है यहाँ पर मैन क्लास में यहाँ पे जो एग्जिलरी वर्ब है वो हैव है तो इसी वजह से जो टेक क्वेस् है उसमें भी हैव यूज होगा इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेक क्वेश्चन जब हम बनाते हैं एज नेगेटिव वो उस वक्त बनाते हैं नेगेटिव जब मेन क्लास पॉजिटिव होता है यहाँ पर मेन क्लास जो है वो पॉजिटिव है तो इसी वजह से टैक क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव बन गया है अगर मेन क्लास जो है वो नेगेटिव है तो जो टैक क्वेश्चन है वो फिर पॉजिटिव बनेगा सिंस द मेन क्लास इज पॉजिटिव द टैक क्वेश्चन शुड बी नेगेटिव ये यहाँ की बात हो रही है तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज you have been working very hard for the last two years haven't you next is jan could hardly do no better than to have cut a base of such dimensions correct sentences jan could hardly have done better than to have cut a base of such dimensions अब यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में डबल नेगेटिव यूज़ हुआ है डबल नेगेटिव में मसला ये होता है कि सेंटेंस की जो ओरिजिनल मीनिंग है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पा रही और सेंटेंस में एक किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और जो आपकी इंटेंडेड मीनिंग होती है उसके बरखिलाफ़ एक अपोजिट मीनिंग वो सेंटेंस कन्वे करती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो डबल नेगेटिव है डू नो बेटर इसको हम रिप्लेस करेंगे विद द करेक्ट फॉर्म एंड दैट इज़ हैव डन बेटर इसके अलावा जो द करेक्ट स्ट्रक्चर हियर इज़ टू यूज कुड हैव कुड हार्डली हैव डन बेटर जो कि हमें इंडिकेट करता है जान की अचीवमेंट इन कैचिंग द बेस वॉज इम्प्रेसिव और डिफिकल्ट टू सरपास तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी जान कुड हार्डली हैव डन बेटर देन टू हैव काट अ बेस ऑफ सच डायमेंशंस नेक्स्ट इज आई हो हैव नो चांस टू मीट हिम वुड रादर गो विद यू इन ऑफ सेटिंग एट होम करेक्ट सेंटेंसेस आई हो हैव नो चांस टू मीट हिम वुड रादर गो विद यू इन स्टेड ऑफ सिटिंग एट होम अब यहाँ पे जो हमने सेंटेंस में करेक्शन की है तो वो कुछ इस तरह से की है कि इसमें जो रिलेटिव क्लास है उससे आगे भी कामा लगाया है और रिलेटिव क्लास के ख़त्म होने के बाद भी कामा लगाया है रिलेटिव क्लास हमारे साथ यहाँ पर है हो हैव नो चांस टू मीट हिम ये इसलिए कि रिलेटिव क्लास जो है वो हमारे साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इस सब्जेक्ट के बारे में जब रिलेटिव क्लास कोई नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या इस तरह की इंफॉर्मेशन हो कि वो अगर सेंटेंस से रिमूव भी हो जाए तब भी सेंटेंस की जो मीनिंग है वो कन्वे हो जाती है तो तो वो जो रिलेटिव क्लास है वो हम फिर कामा में इंक्लोज करते हैं उससे आगे भी कामा लगाते हैं और उससे पीछे भी कामा लगाते हैं तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज़ आई कामा हैव नो चांस टू मीट हिम कामा वुड गो वुड रादर गो विद यू इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम नेक्स्ट इज़ He not only comes there for swimming but also for coaching new swimmers. Correct sentences. He comes there not only for swimming but also for coaching new swimmers. स्विमर्स अब यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में एक रूल है कि जब सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से बनी हो जिसमें नॉट ओनली और बट आल्सो इंक्लूड हो तो ये इंपॉर्टेंट है टू प्लेस नॉट ओनली आफ्टर द एक्सिलरी वर्क इन दिस केस कम्स और आफ्टर द मेन वर्क दैट इज इफ देअर इज नो एक्सिलरी वर्क अगर एग्जेलरी वर्ब है तो उसके बाद नॉट ओनली को प्लेस किया जाए और अगर अगर एग्जेलरी वर्ब नहीं है तो जो मेन वर्ब है उसके बाद नॉट ओनली को प्लेस किया जाए तो यहाँ पर नॉट ओनली को हमने कम्स दियर के बाद प्लेस किया है तो ये इंश्योर करती है हमारे पास क्लैरिटी एंड करेक्ट सेंटेंस सेंटेंस को एडिशनली जो आर्डर ऑफ द एलिमेंट्स है आफ्टर नॉट ओनली एंड बट आल्सो ये जो पैरेललिज्म है सेंटेंस का वो मैच करती है तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है यहाँ पर दैट इज़ He comes there not only for swimming but also for coaching new swimmers. Next is when he visited the fair last time he bought no less than 20 school bags. Correct sentences. When he visited the fair last time he bought no fewer than 20 school bags. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में लेस यूज़ हुआ है लेकिन लेस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउंस हो जब हमारे पास नाउंस काउंटेबल हो तो फिर हम लेस के बजाय फेवर यूज़ करते हैं अब यहाँ पर जो स्कूल बैग्स हैं वो चूंकि काउंटेबल है एक एक को हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं तो इसी वजह से लेस के बजाय हम सेंटेंस में फेवर यूज करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी व्हेन ही विजिटेड द फेयर लास्ट टाइम ही बॉट नो फेवर देन ट्वेंटी स्कूल बैग्स नेक्स्ट इज टेन केटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड करेक्ट सेंटेंस टेन वर ग्रेजिंग इन द फील्ड अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक नाउन यूज हुआ है कैटल जो कि इनकरेक्ट यूज हुआ है क्योंकि केटल एक ऐसा नाउन है जो कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है दोनों के लिए हम केटल ही यूज़ करते हैं इसके साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है अगर हम इसके साथ एस प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो इसकी स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट हो जाती है और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इनकरेक्ट हो जाती है तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी टेन केटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे स्टेबलेस